हज़ार केस रोज आ रहे हैं जबकि सीमित टेस्टिंग है, ऐसे माहौल में परीक्षा नहीं करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम अनुरोध करेंगे कि मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और मैंने वो ड्राफ्ट भी नहीं देखा, लेकिन चिट्ठी लिखने के बजाय बेहतर ही होगा कि जबकि उसमें चार या पांच लोग तो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और कांग्रेस के संविधान में ये भी है कि कोई भी वर्किंग कमेटी का मेंबर चर्चा करने के लिए अनुरोध कर सकता है, चर्चा उसमें चिट्ठी लिखना और चिट्ठी को मीडिया में लीक करना उचित नहीं। एक शिवराज सरकार ने भी घोषणा की है जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी संस्थाएं हैं उनमें सांसद और विधायकों को बतौर प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा करके क्लियर करा है। आप कितना सहमत हैं, क्या आपको लगता है कि आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने ही ये कानून बनाया था कि इसमें विधायकों और सांसदों के अलावा भी लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। इसमें विधायक उसका काम तो विधानसभा में है ही, सांसदों का संसद में है, तो दूसरे सहकारिता के अंदर काम करने वाले लोगों को इसमें असर देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की मजबूरी यह है कि उनको बहुत सारे विधायकों को संतुष्ट करना है, खरीद फरोख्त भी करना है, खरीदने के बाद सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए ये कानून में परिवर्तन लाने का वो उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालने का प्रयास किया है। मैं नहीं समझता कि इसमें सहकारिता का हित है, केवल शिवराज जी का हित है, उन्हें अपने खरीदे हुए विधायकों को और अपने विधायकों को जो मंत्री नहीं बन पाए उनको संतुष्ट करने का अवसर उठ रहा है। आपके एक आदेश को तो उन्होंने पढ़ा जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने फाइंडिंग की थी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों को भी नौकरियाँ दी जाएंगी और दी जा रही थी, लेकिन शिवराज जी जब बीच में आए थे तो उन्होंने अध्यादेश पर कुछ कमियाँ की थी, अब फिर उन्होंने घोषणा की है, तो क्या लगता है कि बात यह है कि मैंने हमारी सरकार ने उस समय किसी बाहर के निवासी की बंदिश नहीं लगाई थी, हमने कहा था जो भी यहाँ पे छात्र जो दसवीं और बारहवीं परीक्षा मध्य प्रदेश से देगा यहाँ से स्कूल में पढ़कर उसको शासकीय नौकरियों में बात हम लोग देंगे, कोई व्यक्ति जिसने कि अन्य प्रांतों में अपने दसवीं और बारहवीं परीक्षा पास की है उसको हम लोगों ने उसको वंचित किया था, उससे फ़ायदा ये हुआ था कि मध्य प्रदेश के बच्चों को लाभ मिला था शासकीय नौकरी। फिर दबाव शायद होगा, इतना तो मुझे मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान जी के ससुराल जो गोंदिया में है उनके लोगों को शायद फ़ायदा पहुंचाना था, उनको विशेषकर अध्यापक ने जिस प्रकार से नियम बदल कर और परिवहन में नियुक्तियाँ हुई हैं अध्यापक के माध्यम से, बोले आप गोंदिया के लोगों को उसमें नियुक्तियाँ दी गई हैं फर्जी मध्य प्रदेश का पता देगा, तो ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा था किया था, लेकिन अब चुनाव के ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये मांग जो मैंने 9 अगस्त को मांगी थी उसको उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन कई बार वो घोषणा करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, जब तक कि गजट नोटिफिकेशन